सारा प्रणाम। रियल स्टेट के हमारे खास शो प्रॉपर्टी वॉच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। रहने के लिए घर खरीदना हो या इन्वेस्टमेंट के लिए, कानून से जुड़ी कोई भी मुश्किल हो या फिर होम लोन की, प्रॉपर्टी वॉच में मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमेशा की तरह क्यूब्रिक के एमडी संजय शर्मा जी। इनके अलावा हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं रुस्तमजी ग्रुप के डायरेक्टर चंद्रेश मेहता। साथ ही होम लोन से जुड़े आपके बाकी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के चीफ मैनेजर एसएस पटवाल। प्रॉपर्टी वॉच में आप सभी का स्वागत। तो मुंबई में मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना हमेशा मुश्किल रहा है, लेकिन आज मुंबई सबर्ब में कुछ अच्छे एरिया डेवलप हो रहे हैं जहां मिडिल क्लास को अपने बजट में घर मिल सकता है। ऐसा ही एक इलाका है विरार, जो अफोर्डेबल हाउसिंग की वजह से मुंबई का हॉट डेस्टिनेशन बना हुआ है। विरार मुंबई का सबसे तेज डेवलप होने वाला एरिया बन गया है। प्रॉपर्टी के दाम कम होने की वजह से लोग विरार का रुख कर रहे हैं। विरार में कई डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जो मिडिल क्लास की पहुंच में हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग ने विरार को मुंबई का हॉट डेस्टिनेशन बना दिया है। लोकल ट्रेन से अच्छी कनेक्टिविटी के चलते लोग यहां जमकर निवेश कर रहे हैं। चर्च गेट से लोकल के जरिए यहां 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। अंधेरी, बोरीवली और मीरा रोड के मुकाबले विरार में प्रॉपर्टी काफी सस्ती है। 2,800 से लेकर 4,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के बीच में यहां मनपसंद फ्लैट्स आपको मिल जाएंगे। विरार में कई डेवलपर्स ने टाउनशिप भी लॉन्च की है। मुंबई के विरार में रुस्तम जी के बन रहे ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट्स में लोगों को अपने बजट के हिसाब से 1, 2 और 3 BHK घर 20-30 लाख में मिल तो जाएंगे ही, साथ ही साथ इस सिटी में आ रहे कई प्रोजेक्ट्स, अम्यूजमेंट पार्क, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस की जो सुविधाएं हैं उसका भी इन्हें फायदा मिलेगा। ग्लोबल सिटी 217 एकड़ में फैला टाउनशिप है। विरार रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस टाउनशिप में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। हर फ्लैट में बिल्डर की ओर से इन्वर्टर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध करवाया जाएगा। फ्लैट के इंडोर को काफी बेहतर बनाने की कोशिश भी की गई है। यहाँ कई बड़े डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप छानबीन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कई जगहों पर अवैध निर्माण भी हुए हैं। विरार में पिछले 5 सालों के दौरान काफी तेजी से विकास हुआ है। मुंबई के दूसरे इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में काफी वक्त से ठहराव की स्थिति है, लेकिन विरार में तेजी बरकरार है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहां अभी निवेश पर आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मुंबई एयरपोर्ट से 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विरार रेलवे की अच्छी कनेक्टिविटी होने के कारण और लोगों के बजट में आ जाने के कारण लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है और अपना घर खरीदने का सपना भी लोग यहां साकार कर सकते हैं। इस समय मुंबई से सरोजनी श्रीहर्ष। संजय शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। संजय जी, विरार एक समय मुंबई के दूर दराज इलाकों में गिना जाता था, लेकिन आजकल आप देख पा रहे हैं कितना डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो क्या लगता है आपको कि अगर यहाँ पर कोई निवेश करता है तो कितना रिटर्न उसे मिलेगा यहाँ? चित्रा, जैसे सरोजनी ने बताया कि यहाँ पे जो खासियत है वो नंबर एक वो है कनेक्टिविटी की, और सेकेंड है इसके जो दाम है वो काफी अफोर्डेबल है। तो ये जो सेगमेंट जिसे टारगेट कर रहे हैं विरार के अंदर, मेरे ख्याल से परफेक्ट सेगमेंट है जो बजट की वजह से, और धीरे धीरे करके जब लोग यहाँ पे आने लगेंगे, बसावट होने लगेगी, कनेक्टिविटी तो है ही है, धीरे धीरे से बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ऑफिसेज और हॉस्पिटल्स वगैरह वगैरह डेवलप होने लग जाएंगे, तब मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट काफी रंग लाएगी। तो अभी इन्वेस्टमेंट करने का ये बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि दाम कम है और कनेक्टिविटी इस जगह की अच्छी है। यहाँ पे रहते हुए भी लोग अपने दफ्तर वगैरह जा सकते हैं मुंबई में, बाकी जगहों में भी। मुंबई से हमारे साथ रुस्तमजी ग्रुप के डायरेक्टर चंद्रेश मेहता जी जुड़े हुए हैं। मेहता जी, आपके ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट के लिए विरार ही क्यों चुना? विरार हैज गॉट एक्सीलेंट कनेक्टिविटी। I think the local train is the lifeline as far as Bombay city is concerned, and lot of people, at least the middle class and the lower middle class, use the train as their mode of transportation. There is a 6-lane expressway being contemplated by MMRDA to join Virar with Alibag. अगर आपके प्रोजेक्ट में सुविधाओं की हम बात करें तो किस किस तरह की सुविधाएं आप लोगों की तरफ से दी जा रही हैं? Malls,
high street shopping. We lay lot of emphasis on the facilities and amenities that we provide for the children.